हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, जुलाई 2018 में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टॉपिक से आया हुआ है, सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग का जो ये पूरा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रिक्वेंसी, कि हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है, इवन गेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आता ही आता है। और दूसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आपको इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे गलत वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको तकरीबन सारे के सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जरूर कवर करते हैं। लेकिन वो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे आपको वो फंसाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, तो आपको बस वो जो है वो क्रक्स जो है वो पकड़ना है और उससे आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। तो इसीलिए ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग का जो पोर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन जो इस साल क्वेश्चन आया है जुलाई 2018 में, वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तीन प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, अराइवल टाइम है 012 एंड बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 748 एंड व्हाट दे आर आस्किंग, द गैंट चार्ट फॉर द प्रीएम्प्टिव एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज, और इन्होंने चार गैंट चार्ट यहां पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट गैंट चार्ट अकॉर्डिंग टू द विच एल्गोरिदम, प्रीएम्प्टिव एसजीएफ। तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम के ऊपर फोकस करना है कि एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, प्रीएम्प्टिव, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और जब ये साथ में प्रीएम्प्टिव हो तो आप इसको SRTF भी बोल सकते हो, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जहां पे हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सी जॉब, जो मेरी कौन सी जॉब है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, और उसको मुझे सबसे पहले वहां पे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन प्रीएम्प्टिव मोड में। प्रीएम्प्टिव मतलब एक जॉब को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना, हमें रेगुलरली चेक करना है कि कैसे कौन सी जॉब जो है जिसका टाइम कम हो जाता है, हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो मैं यहां पर एक नया गैंट चार्ट बना रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। The Gantt chart always starts with zero, because time हमेशा हम start करते हैं zero से। At time zero, सबसे पहले आपको check करना है कि कौन-कौन से processes arrived हैं, means ऐसे कौन से processes जो already arrive हो चुके हैं। कौन सा process arrive है zero पे, सिर्फ P1, only P1 is arrived। तो P1 अगर arrived है तो हम P1 को सबसे पहले यहाँ पे चलाएंगे, लेकिन यहां पे प्रीएम्प्टिव है, तो प्रीएम्प्टिव में आपको ध्यान रखना है कि P1 को तो हम चलाएंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए, सिर्फ एक यूनिट के लिए, बिकॉज एक यूनिट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या कोई और शॉर्टर जॉब जो है, शॉर्टेस्ट जॉब और कोई रेडी है कि हम उसको पहले चला सके। अगर ये सिर्फ एसजीएफ होता तो आप P1 को पूरा 7 तक, पूरा 7 तक चलाते, लेकिन अभी नहीं चलाना, बिकॉज ये प्रीएम्प्टिव है। तो प्रीएम्प्टिव के केस में सिर्फ एक तक चलाओ और यहां से एक कम कर दो, बिकॉज एक बस टाइम तक P1 चल गया, तो कितना बचा, बाकी 6। अब दोबारा चेक करना है, हम अब कहां पे खड़े हैं, 1 पे, बिकॉज वी आर नाउ स्टैंडिंग एट 1। अब 1 पे दोबारा चेक करो कि कौन कौन से प्रोसेस अराइव्ड है, अराइव्ड का मतलब रेडी क्यू में है। तो देखो कौन कौन सा प्रोसेस, P1 तो ऑलरेडी रेडी क्यू में है, ये तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी इवन रनिंग भी हो चुका है, ये तो वापस रनिंग से हम इसको रेडी क्यू में भेज देते हैं। P2 भी रेडी क्यू में आ गया। अब P1 और P2 दोनों रेडी क्यू में है, तो हम किसको चेक करेंगे, किसको पहले सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट को, शॉर्टेस्ट जॉब को, जिसका बर्स्ट टाइम कम है। तो 6 और 4 में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, P2 का, तो हम P2 को यहां पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। मींस P2 को हम किसको दे देंगे, CPU को दे देंगे कि CPU इसको एग्जीक्यूट कर। अब CPU इसको कितनी देर तक एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ एक टाइम तक, पहले आपको सिर्फ एक टाइम तक चलाना है। लेट सपोज 1 से 2 तक चला, अब P2 कितना बचा, 3। अब 2 पे दोबारा चेक करो कि कौन कौन से प्रोसेस अराइव्ड है 2 टाइम पे, एट टाइम 2, 2 टाइम पे ये तीनों प्रोसेस ऑलरेडी अराइव्ड हो चुके, ऑलरेडी रेडी है,
लेकिन इनमें से सबसे शॉर्टर कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, P2 ही है। तो आपको P2 को ही दोबारा चलाना पड़ेगा। लेट से P2 को एक और तक चलाया और यहां पे बच गया 2। अब फिर P2 को ही चलाना पड़ेगा बिकॉज P2 ही यहां पे शॉर्ट जो कम होता जा रहा है, बाकी तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा वैल्यू है, तो इसीलिए P2 को ही हमें दोबारा चलाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P2 को हमने 2 इकट्ठे तक चलाया, मतलब 5 तक हमने P2 को चलाया और P2 हो गया यहां पे खत्म। और उसके बाद जब P2 यहां पे खत्म हो गया तो बाकी दो में से कौन सा शॉर्ट है, P1। तो हम P1 को दोबारा चलाएंगे और P1 को हम कितनी देर तक चलाएंगे, 1 तक चला सकते हो, लेकिन 1 तक अगर चलाओगे तो ये 5 बचेगा, तब भी ये इससे कम ही रहेगा। तो अब आप इसको पूरा 6 तक चला दो, 6 मींस 5 + 6 = 11। तो आप 11 तक जो है P1 को कंप्लीट करवा सकते हो और उसके बाद तो ऑब्वियसली अकेला P3 ही बचा, तो P3 को एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है बिकॉज अकेला P3 ही है, कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो जब कंपटीशन में कोई नहीं है तो आप उसको पूरा चला दो, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस कंपटीशन में हो तो आप बर्स्ट टाइम को चेक करो। तो P3 को पूरा का पूरा चला देते हैं, मतलब ये 8 इसका बर्स्ट टाइम है, तो ये कितना हो गया, 19। तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हमने सबसे पहले P1 को चलाया 1 तक, उसके बाद P2 को चलाया, ये देखो P2 को हमने कॉन्टिन्यूसली चलाया 5 तक, फिर P1 को चलाया हमने 11 तक और फिर P3 को फाइनली 19 तक। तो कौन सा गैंट चार्ट इससे मैच करता है, द ऑप्शन इज बी या 2, ऑप्शन 2 जो है वो इससे मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअल में ये, इवन ये तो एक सिर्फ गैंट चार्ट पूछा हुआ है, आपसे इसके बाद टर्न अराउंड टाइम के बारे में भी पूछ सकते हैं, वेटिंग टाइम के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सारा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्शन की जो वीडियो है, ये मैंने पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो विद एग्जांपल ऑलरेडी इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसका जो लिंक है मेरी वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप वहां पे उसको चेक कर सकते हो और ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। इवन सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कवर किया हुआ है विद एग्जांपल, आप एक एक करके जरूर कर लो बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर स्टूडेंट इसको कवर करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। तो इसीलिए दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्शन। थैंक यू।